नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सबका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि आपको हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का कैमरा का एंगल ठीक होगा, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था ब्लैकबोर्ड में कुछ गड़बड़ हो गया था। तो दोस्तों हॉस्टल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। कहने का मतलब ये है कि कुछ बच्चों को ग्रुप में रह के पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को सिंगल रह के मतलब अकेला पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप डिसाइड कीजिए आप किस तरह का स्टूडेंट है, मतलब आपको ग्रुप स्टडीज़ करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर आपको एक सिंगल रूम चाहिए जिसमें सिर्फ आप पढ़ाई करेंगे। क्योंकि दोस्तों हॉस्टल में एक रूम में चार चार बच्चे पहले रहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा इसमें इतर में एक जूनियर हुएंगे, इसमें जूनियर हुई फॉर एग्जांपल इसमें इतर में हमारा एक जूनियर हुएंगे जिसमें एक एक रूम पे चार चार बेड रहते हैं, और हर बेड में हो सकता है BPD 4 है या फिर VOT 4 है, ऐसा नहीं। मतलब ये जो चार जन रहेंगे, आप दो BPD रह सकते हैं, दो OT रह सकते हैं, दो PO रह सकते हैं, तीन BPD एक PO, ऐसा करके मतलब मिक्स करके रह सकते हैं। दोस्तों आप डिसाइड कीजिए आप मतलब मिलकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर आप प्राइवेट में रूम लेके पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों आप अगर मुझे पूछेंगे तो मेरा ऑप्शन हमेशा रहेगा कि आप हमेशा हॉस्टल को प्रायोरिटी दीजिए। हॉस्टल को प्रायोरिटी इसलिए दीजिए क्योंकि पहली बात, आप हॉस्टल लेते हैं तो आपका ऊपर इकोनॉमिकल बर्डन जो है, मतलब आपका जो मतलब आप जो फीस देने वाले हैं, आप तो नहीं देने वाले, आपके पेरेंट्स देने वाले हैं। तो अगर हॉस्टल लेते हैं तो आपका इकोनॉमिकल बर्डन जो है आपके पिताजी के ऊपर या फिर माताजी के ऊपर वो कम हो जाएगा। और आज का मतलब आजकल के दौर में आप अगर प्राइवेट रूम लेके आते हैं तो आपको ज़्यादा पड़ जाएगा। आपको ज़्यादा कैसे पड़ जाएगा, तो दोस्तों देखिए मिनिमम आप अगर रूम शेयरिंग भी करते हैं, मतलब एक रूम 3,000 का आपका पड़ता है, 3,000 का आपका एक रूम पड़ता है। आप अगर दो जन शेयर करते हैं तो हो जाएगा 1,500 हो जाएगा। 1,500 भी अगर करते हैं तो दोस्तों 12 महीने में ये आपका हो जाएगा 18,000 हो जाएगा। और आप अगर सिंगल ही सिर्फ मिलते हैं, मतलब सिंगल एक रूम, तो दोस्तों ये आपको पड़ जाएगा कितना, 36,000 पड़ जाएगा। तो दोस्तों 10,000 देखिए या फिर 36,000 देखिए या 18,000 देखिए, 10,000 आपके लिए सही रहेगा। आप अगर चाहते हैं आपके पेरेंट्स के ऊपर आपको बर्डन नहीं डाले, क्योंकि ऑलरेडी आप एडमिशन में पैसे देने वाले हैं और जो कि बहुत सारा एक बड़ा अमाउंट है, तो दोस्तों फिर से एक्स्ट्रा एक बर्डन पड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों हमेशा हॉस्टल को प्रायोरिटी दीजिए। तो दोस्तों ये था एक चीज़, और एक चीज़ है ये तो फाइनेंस का था, फाइनेंस के लिए आपका हॉस्टल बजट रहता है। उसके साथ साथ और क्या क्या बेनिफिट्स है आपको हॉस्टल अगर लेते हैं, तो आप अगर नई जगह, मतलब आप अगर उस लोकेलिटी से नहीं है, मैक्सिमम बच्चे वो लोकेलिटी से नहीं रहते, मतलब बाहर से स्टेट से जाते हैं, बाहर से डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, तो दोस्तों वो जगह आपके लिए पूरा नया होगा। उस जगह में आपको कुछ पता नहीं होगा, मतलब कहाँ पर क्या मिलता है, कहाँ पर क्या होता है, कौन किस तरह का एरिया है, मतलब सब कुछ। तो दोस्तों पहले आप हॉस्टल में रहेंगे तो एक रूम में चार जन रहेंगे, उसके साथ साथ आपके सीनियर्स होंगे हॉस्टल में बाकी सब रूम में, तो आपको क्या होगा कि वो एक गाइडेंस दे सकते हैं। और हॉस्टल में वार्डन रहते हैं जो कि गाइड तरह के रहेंगे। पर फॉर एग्जांपल आप अगर बाहर में रहते तो आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होगा, आप अपने मन मुताबिक जो करेंगे या आपको पता नहीं होगा बहुत सारी चीज़ें, तो क्या होगा कि आपको दिक्कत हो सकता है पहले। इसलिए दोस्तों उस सारे तकलीफ़ों से बचने के लिए आपको हॉस्टल लेना ज़्यादा अच्छा प्रिफरेबल रहता है। ऐसा नहीं कि बाहर नहीं रह सकते, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, आप रह सकते हैं। क्योंकि आजकल ट्रेंड बताऊँ तो इस मिनट में भी हॉस्टल में आज मतलब हमारे टाइम पे हॉस्टल में सीट नहीं मिलता था, 2-3 साल वेट करना पड़ता था एक सीट के लिए। पर अभी सीट वैकेंट पड़ रहा है क्योंकि बच्चे सब बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में नहीं रह रहे, क्योंकि उसका और एक वजह है कि आप सबको पता ही होगा हॉस्टल में क्या ही होता है फर्स्ट ईयर में, जब आप जूनियर्स होते हैं फ्रेशर्स नहीं मिलता। मैं तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता ये क्या बोलते हैं उसको, जितना भी कोई मना कर लीजिए पर वो तो इंट्रोडक्शन होता ही है ना, थोड़ा थोड़ा तो इंट्रोडक्शन होता है, तो इसको भी डर के बच्चे नहीं जाते, इंट्रैक्शन को डर के भी बच्चे नहीं जाते। पर
पर दोस्तों ये जूनियर सीनियर का इंटरेक्शन आपके लिए प्रोफेशनली आपको हेल्प करेगा, आपको बहुत सारे चीज़ों में हेल्प करेगा। आपका अंदर एक जो डर होगा वो ख़त्म होगा पहले बात, और आप एक्सप्रेस करना सीखेंगे, मतलब क्या अपना पॉइंट रखना सीखेंगे, बहुत किसी सारे मतलब बॉन्डिंग कैसे करते हैं जूनियर सीनियर इंटरेक्शन। मतलब आप जब फॉर एग्जांपल ऑफिशियल मैटर में भी आप अगर कहीं पे बाहर जाते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, कैसे बिहेव करना चाहिए, किसको कैसे, मतलब वो सब चीज़ें जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता वो सीनियर्स ही सिखाते हैं हमको, क्योंकि हम प्रोफेशनल कोर्स में हैं। प्रोफेशनल कोर्स में हमेशा एक सीनियर रहता है, जहीं पे भी जाइए, मतलब यहाँ पे कोर्स ख़त्म करके जहीं पे भी जाइए आपको एक सीनियर मिलेंगे। तो दोस्तों हमेशा सीनियर के साथ अच्छा रिलेशन रहता है, आप अगर उनसे मिलेंगे ही नहीं तो आपको सीनियर कैसे बॉन्डिंग, मतलब कैसे वो रिलेशनशिप बिल्डिंग होगा। तो दोस्तों ये पर आजकल दोस्तों ये बहुत सारे बच्चे डर के नहीं जा रहे हैं, पर ऐसा कोई हॉस्टल में नहीं है कि मतलब आप सोच रहे होंगे पिछले ज़माने में जैसे फिल्मों में देखते हैं रैगिंग होता है, वो ऐसा नहीं होता है। सीनियर इंटरेक्शन मतलब कि कोई आपको इंट्रोडक्शन बोल रहा है, फॉर एग्जांपल आपको कोई बोलता है इंट्रो दो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रैगिंग कर रहा है, वो चाहता है कि वो आप दोनों के बीच का रिलेशन बढ़ेगा। मतलब आप अगर जानेंगे अपने सीनियर्स को, कुछ भी होगा फॉर एग्जांपल आपका एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के आप सीनियर्स जो सर मैम होंगे आप उनके पास जाएंगे तो वो हेल्प करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कैसे आपको गाइडेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक साल का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों ये एक अच्छा चीज़ है, इसलिए दोस्तों उसको डर के हॉस्टल नहीं जाना ये तो मुझे ठीक नहीं लगता। मतलब वो उसके बाद दोस्तों नया जगह है, आप अगर नए जगह पे अकेले रहेंगे या फिर दो लोग जो कुछ आप अगर मेस करके भी रहते हैं, आपको दोस्तों को भी पता नहीं होगा क्या कहाँ पर क्या होता है क्या मिलता है, तो उस पर क्या प्रॉब्लम होगा, तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। पर आप अगर हॉस्टल में रहेंगे तो आपके सीनियर्स होंगे, आपको हर मोमेंट पर हेल्प करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल तो हर मोमेंट का मतलब हर मोमेंट में, मतलब आपका तबीयत ख़राब होने से लेकर आपका एग्ज़ाम तक सभी, मतलब सभी आपका कोई भी तरीका आपका कोई भी तरीका का आपको हेल्प चाहिए, आपके सीनियर्स हमेशा आपके साथ रहेंगे आपको हेल्प करने के लिए। इसलिए दोस्तों हॉस्टल में रहना मुझे प्रायोरिटी अच्छा लगता है, ठीक लगता है पहला बार। ये सारे रीजन्स को छोड़ दे तो उसके बाद हॉस्टल में जो मज़ा है, मतलब जो मस्ती है वो और कहीं नहीं। हॉस्टल लाइफ आपको ज़रूर एक बार हॉस्टल लाइफ जीना चाहिए, हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ आपको क्या को हॉस्टल लाइफ आपको एक एक कंप्लीट इंसान करके छोड़ेगा, मतलब एक कंप्लीट मैन वुमेन करके छोड़ेगा। हॉस्टल में आप सब कुछ सीखेंगे, मतलब खाना आप अगर कुकिंग भी करते हैं, कुकिंग से लेकर आप ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं सब कुछ सीखेंगे, रिलेशनशिप बिल्डिंग करना, कैसे मैनेजमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्टल में दिवाली सेलिब्रेट होता है, होली सेलिब्रेट होता है, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, ये सब सेलिब्रेट होता है, उसमें कैसे मैनेज करते हैं आप। मतलब आप कहेंगे ये सब क्या जरूरत है, आप जो कर बड़े होंगे, मतलब जब आपका फैमिली स्टार्ट करेंगे, मतलब फैमिली पे कोई फंक्शन होगा, आप इजीली उसको मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा कैसे हैंडल करते हैं ये सब चीज़ों को, मतलब मैनेजमेंट, ये एक चीज़ हॉस्टल्स में सीखते हैं आप। और दोस्तों हॉस्टल के बाद बोलूँ तो ख़त्म भी नहीं होगा, आप स्पिनिटर ब्लॉग्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके स्पिनिटर ब्लॉग्स देख सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट हर चीज़ तो नहीं बोल सकता, जब भी कोई फंक्शन होता था मैंने वीडियो बनाया है, होली हो, दिवाली हो, एनुअल फंक्शन हो, फ्रेशर हो, हर चीज़ का वीडियो बनाया है, इनविटेशन कैसे करते हैं, लास्ट नाइट बर्थडे पार्टी, मतलब हर टाइप का वीडियोस इस चैनल पे है, आप जाके स्मिता ब्लॉग्स को जाके देख सकते हैं। आपका अगर मतलब लीजर टाइम हो, मगर पास टाइम हो या फिर आपको रिलैक्स होना चाहिए तो आप उस वीडियो सब देख सकते हैं, स्मिता ब्लॉग्स को जाके देख सकते हैं। और दोस्तों और बहुत सारे रीजन्स है जिसके वजह से आपको हॉस्टल ज्वाइन करना चाहिए। और हमारे टाइम पे मैंने जैसे बोला हॉस्टल मिलता नहीं था, हॉस्टल में अप्लाई करना पड़ता था, इसलिए दोस्तों आप हॉस्टल लाइफ एक बार, मुझे कोई पूछेगा तो मैं तो ज़रूर बोलूँगा कि आपको एक बार हॉस्टल लाइफ जीना चाहिए, हॉस्टल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। और ये जो चार साल रहेगा उस ये चार साल नहीं आएगा, मतलब वो जो मस्ती आएगा अपने दोस्तों के साथ, जो मेमोरीज क्रिएट करेंगे वो एक मतलब कोई शब्द नहीं है उसका, मैं क्या बताऊँ। इसलिए दोस्तों इन द एंड मैं बोल सकता हूँ ये आपका
फाइनेंशियली आपके पेरेंट्स के ऊपर बॉर्डन आपको कम करेगा, आपका सीनियर जूनियर एक रिलेशनशिप बिल्डिंग होगा, आप सब कुछ आपको एक कंप्लीट मैन आपको मैच्योर होने का मदद करेगा, आप ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे। इसलिए दोस्तों हॉस्टल लेना अच्छी चीज़ है। और जैसे मैंने बताया इसको डर के हॉस्टल ना ज्वाइन करना, ये भी बेवकूफ़ी ही होगा, क्योंकि ऐसा आपको पता ही होगा रैगिंग करना कितना बड़ा क्राइम हो चुका है। इसलिए दोस्तों कोई आपको रैगिंग नहीं करेगा, अगर रैगिंग करता है तो वो भी पता है क्या हो सकता है, उसको सस्पेंड हो सकता है और उसको एग्ज़ाम देना नहीं दे सकते। इसलिए दोस्तों इसको डर के बाकी मतलब एक चीज़ को डर के और डाइन मतलब एक चीज़ को छोड़ के और अगर 100 पकड़ेंगे हॉस्टल तो 99 चीज़ें आपके फेवर में हैं। तो इसलिए एक चीज़ को देखकर हम इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए दोस्तों आपको हॉस्टल ज्वाइन करना चाहिए। इस और आप अगर मेस में रहते हैं आपको कहाँ पे मेस मिलता है, अगर कॉलेज के पास अगर हॉस्टल नॉर्मली कॉलेज के पास हॉस्टल होता है तो आपको इजी रहता है जाना आना, या फिर आप अगर बाहर मेस में रहते हैं और पास में मेस है तो अच्छा है, वरना वो ट्रांसपोर्टेशन का भी आपका खर्चा बढ़ जाएगा जाना आना। इसलिए दोस्तों हॉस्टल का प्रायोरिटी दीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जो भी कमेंट्स में आप लिखना चाहते हैं लिखिए, अपना राय बताइए क्या आपका राय है, हॉस्टल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों आपको अगर टाइम मिलेगा तो इसमें तक आप ब्लॉग्स जाके देख सकते हैं, वो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय जगन्नाथ, वंदे मातरम।